लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्य हो वीर, क्या बल, क्या पौरुष, क्या बदन। तुम उस तपस्वी से किसी भी प्रकार कम नहीं हो। तुम सचमुच वरण करने के योग्य हो। क्या तुम मुझसे वरण करोगे वीर पुत्र? वरण? कौन हो तुम? कहां से आई हो? एक सुंदरी को देखकर यूं चौंक जाना तुम्हारे जैसे पुरुष को शोभा नहीं देता। मैं एक सुंदरी हूं और तुम्हारा प्यार पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या इतना ही जान लेना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? मुझे किसी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं केवल स्त्री कहाँ हूँ, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मेरे प्यार के उपहार को यूं ना ठुकराओ। मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। क्यों, क्या किसी और से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो? नहीं, मैंने कहा ना मुझे किसी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे लिए हर पराई स्त्री माता और बहन के समान है। मैं पराई कहाँ हूँ? तुमसे मिलने से पहले ही मैं मनी मन कब की तुम्हारी हो चुकी हूँ। मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे तड़पते हुए मन को शांति पहुंचा दो ना। नहीं, कदापि नहीं। यह बाण तुम्हें कहां से मिला? पहचान गए ना, नदी में नहाते हुए उस तपस्वी ने मुझसे कहा था कि यह बाण देखते ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। अर्थात उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उन्होंने ना भेजा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि इस जंगल में तुम तपस्या करते करते ऊब चुके हो और अब तुम्हें मुझ जैसी एक सुंदरी चाहिए, चाहिए ना? पहले तुम मुझे अपना परिचय दो। सच सच बताऊंगी तो तुम डर तो नहीं जाओगे? तुमने मुझे वीर पुरुष कहा है, फिर ये डरने की बात क्यों कर रही हो? मैं लंकापति रावण की बहन रूपलेखा हूँ। मेरा अपने पति से वियोग हो चुका है और मैं फिर से सुहागत बनना चाहती हूँ। रूपलेखा या शूर्पणखा? मैंने तो सुना था कि रावण की एक ही बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। नाम से क्या अंतर पड़ता है, समझ लो कि मैं वही हूँ। फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य और तुम एक राक्षस कन्या हो। भला मेरा और तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? मेल होने में कोई कठिनाई नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। नाम से क्या अंतर पड़ता है सुंदरी, समझ लो मैं वही हूं जो तुम मुझे समझ रही हो। पर मुझे अब जाने दो। सुनो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो?
हाथ में आए हुए प्रियतम को मैं यूं ही तो ना जाने दूंगी। जब तक तुम मुझे अपनाओगी नहीं ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सुनो सुनो ना, मैंने तुमसे कहा ना मेरा पीछा मत करो, मुझे जाने दो। प्रियतम भैया, मेरी रक्षा करो। भैया 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 मुझे बचाओ। भैया भैया भैया, क्या बात है लक्ष्मण? इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया, क्या आपने रावण की बहन शूर्पणखा को मेरे पास भेजा था? हाँ लक्ष्मण, उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। उसकी अनुचित चेष्टाओं का अंत तुम ही कर सकते हो। वो राक्षसों का अधिपति रावण की बहन है। उसमें जो उन्माद जागा है, उसके लिए उसे दंडित करना आवश्यक है। अर्थात? अर्थात जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम्हें करना है। भैया, मेरी रक्षा कीजिए। डरो नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आओ ना प्रियतम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ ना। रुक जाओ लक्ष्मण भैया। आओ ना। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? हाँ, तू कौन होती है? आ? रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो भाभी को, अन्यथा तुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इधर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बस एक कच्चा चबा जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू मुझे जानती नहीं, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मण भैया, छोड़ दो भाभी को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लक्ष्मण भैया, एक स्त्री पर प्रहार किया। वो स्त्री नहीं, राक्षसी थी भाभी। उसका बढ़ता हुआ उन्माद उतारने के लिए यह करना आवश्यक था। परंतु यह उचित नहीं हुआ भैया। इस समय शूर्पणखा का यहाँ आना ही अनुचित था। इस समय जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। तुम वैर दुखी ना हो। शूर्पणखा बहन को बहुत विलंब हो गई आने में। चिंता मत करो खर, वो आती ही होगी। भैया खर, भैया दूषण, भैया खर, बहन, भैया दूषण। क्या हुआ बहन शूर्पणखा, क्या हुआ? भैया मार डाला उस दुष्ट ने मुझे। धिक्कार है तुम दोनों पर कि तुम जैसे भाइयों के होते हुए भी उस तपस्वी ने मेरे नाव पर कान काट डाले हैं। देख रहे हो ना तुम? कौन तपस्वी? किस तपस्वी की बात कर रही हो तुम बहन शूर्पणखा? भैया वो तपस्वी पंचवटी में कुटिया बनाकर अपने भाई के साथ रहता है। उनके साथ एक स्त्री भी रहती है और उसी के उकसाने पर उन दोनों ने मेरी ये दुर्दशा कर डाली है। हम इसी समय वहाँ जाएंगे बहन, और तुम्हारे साथ हुए दुष्कृत्य का बदला लेंगे। चलो दूषण। भैया खर, जिन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा को इतनी बड़ी चोट पहुँचाई हो वो साधारण तपस्वी नहीं हो सकते। हमें उन पर अपनी राक्षस सेना के साथ आक्रमण करना होगा। राक्षस वीरों, चलो हमारे साथ और समाप्त कर दो उन तीनों को। चलो दूषण की जय, लंकापति रावण की जय, राक्षस वीर कर दूषण की जय, लंकापति रावण की जय, राक्षस वीर कर दूषण की जय, लंकापति रावण की जय, राक्षस वीर कर दूषण की जय, लंकापति रावण की जय, राक्षस वीर कर दूषण की। रावण की
शंकर दूषण की जय। लंकापति रावण की। स्वामी, ऐसा लगता है राक्षसों की पूरी सेना इस ओर चली आ रही है। धैर्य और बल की परीक्षा ऐसे ही अवसरों पर होती है। तुम डरो नहीं। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि आप केवल दो हैं और वे हजारों, आप उनसे कब तक संघर्ष कर पाएंगे? भाभी, चक्राणी होकर यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी शक्ति पर विश्वास करो। लक्ष्मण, तुम इस समय सीता को किसी सुरक्षित गुफा में ले जाओ और राक्षसों की रक्षा करो। मैं इन सबको अकेले ही टक्कर दूंगा। नहीं स्वामी, मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। युद्ध मैं करूंगा सीते, और युद्ध में दुष्ट राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस समय तर्क नहीं, संयोग की आवश्यकता है। तुम जाओ, लक्ष्मण के साथ किसी सुरक्षित गुफा में चली जाओ। चलो भाभी, यहां की चिंता मत करो। जहां भैया राम है विजय वहीं है। इनकी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी। लगता है राक्षस हमारी पंचवटी के पास पहुंच गए। तुम चिंता न करो भाभी, तुम निश्चिंत होकर गुफा में जाकर विश्राम करो। मैं यहीं पर रहकर पहरा दूंगा। स्वामी के लिए मेरा मन चिंतित है लक्ष्मण, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम उनके पास जाकर उनकी सहायता करो। उन्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है भाभी। यदि उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम गुफा में जाकर विश्राम करो। उनका ध्यान रखना लक्ष्मण। दूषण, हम व्यर्थ इतनी बड़ी राक्षस सेना लेकर यहाँ आए हैं। तो तू अकेला ही हमारा सामना करेगा? आकाश में अनगिनत तारों को फीका करने के लिए अकेला सूर्य ही पर्याप्त होता है। अर्थात तू ये समझता है कि तू अकेला सूर्य है और हम सब तारे। तुझ जैसे को समाप्त करने के लिए मेरा एक वार ही पर्याप्त है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हों। 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 राम राम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हों। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हों। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव। धन्य हो गुरुवर, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, हम आपके आभारी हैं। हम तो केवल तुम्हारी पत्नी सुलोचना की अभ्यर्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आज इसने प्रथम बार हमारी प्रार्थना की है। आप धन्य हैं गुरुदेव। बोलो सुलोचना, आज तुमने किस विशेष प्रयोजन से हमारी प्रार्थना की है? मैं तो अपने पति की अनुगामिनी हूँ गुरुदेव, ये जो कुछ चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। तुम्हारी और मेघनाद की आकांक्षाओं में तो बहुत बड़ा अंतर है। ये तो अपने अभिमानी पिता का उत्कर्ष देखने के लिए न्याय और अन्याय के सभी मापदंड भूल जाना चाहता है। परंतु तुम गुरुदेव, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुलोचना हमारे विश्व विजयी पिता लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष देखना नहीं चाहती? वत्स मेघनाद, हमें शब्द जाल में फंसाने का प्रयास मत करो। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि नागलोक में उत्पन्न ये कन्या शुभ शक्तियों की पक्षधर है। ये सदैव उसी का पक्ष लेगी जो सत्य और न्याय पर स्थित है। सुलोचना, अब तुम लंकेश्वर रावण की पुत्रवधू हो। अभी तुम कह चुकी हो कि तुम मेरी अनुगामिनी हो। गुरुदेव जो कह रहे हैं उससे तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं होता। गुरुदेव, आपकी बातें मुझे उलझन में डाल रही हैं। कृपया मेरी प्रार्थना का सम्मान कीजिए और मुझे ऐसी सिद्धियां प्रदान कीजिए जिससे मैं अजर अमर होकर अपने पिता की आकांक्षाएं पूर्ण कर सकूं। नहीं, अब हम तुम्हारी कोई आकांक्षा पूर्ण नहीं करेंगे वत्स। विशिष्ट शक्तियों की प्राप्ति के लिए अब तुम्हें हमारी नहीं प्रजापिता ब्रह्मा की उपासना करनी होगी। ऐसा क्यों गुरुदेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? हमें प्रसन्न करने जैसा कोई कार्य तुमने किया ही नहीं है मेघनाद। अपने पिता के साथ मिलकर तुमने सहस्रों राक्षसों को मरने के लिए दंडकारण्य भेज दिया है। हमारे इतने शक्तिशाली राक्षसों जिनका नेतृत्व खर और दूषण जैसे वीर कर रहे हैं, भला उनको कौन मार सकता है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं आने वाला समय देगा वत्स। अभी हम तुम्हें यही परामर्श देते हैं कि अपनी पत्नी सुलोचना के साथ तुम श्वसुर ग्रह नागलोक चले जाओ। नागलोक चला जाऊं? परंतु इसकी आज्ञा लंकापति मुझे कदापि नहीं देंगे। इस समय उन्हें मेरी आवश्यकता है। हमने तुम्हें परामर्श दे दिया। समय की आवश्यकता है वत्स, कि तुम पिता के परामर्श से अधिक इस समय दूसरों के परामर्श पर निर्भर रहो। कल्याण हो। हमारे आह्वान पर दैत्य गुरु प्रकट तो हुए, परंतु उन्होंने दिया कुछ नहीं, केवल चिंता और उलझन का आशीर्वाद देकर चले गए। अब हम उनकी आराधना कभी नहीं करेंगे। अपने गुरु पर इतना रोष करना उचित नहीं स्वामी। हमें उनका परामर्श मान लेना चाहिए। नागलोक जाने की आज्ञा पिताश्री से मैं लूंगी।